अब बात करते हैं पीएम मोदी के मिशन कश्मीर की। कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए अब मोदी सरकार ने बातचीत के लिए अहम कदम उठाया है। इसके लिए रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर दिनेश्वर शर्मा को नया वार्ताकार नियुक्त किया गया है, जो कश्मीर में सभी पक्षों से बातचीत करके सरकार को रिपोर्ट देंगे। न गाली से समस्या सुलझने वाली है, न गोली से समस्या सुलझने वाली है। समस्या सुलझेगी हर कश्मीरी को गले लगा करके सुलझने वाली है, और 125 करोड़ देशवासी यही परंपरा से पला बढ़ा है। कुछ इसी अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कश्मीर के संकट को सुलझाने का दम भरा था। करीब 2 महीने बाद सरकार ने इस पर अमल भी शुरू कर दिया है। कोशिश है बातचीत के जरिए कश्मीर में अमन चैन लाने की। यह सरकार ने फैसला किया है कि जम्मू और कश्मीर में एक सस्टेंड डायलॉग प्रारंभ किया जाए। यह भी फैसला है कि आईबी के फॉर्मर डायरेक्टर श्री दिनेश्वर शर्मा को भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नियुक्त किया जाए। कश्मीर की फिजाओं में सुकून रहे, इसके लिए मोदी सरकार का नया भरोसा है दिनेश्वर शर्मा। सरकार की कोशिश है कि कश्मीर समस्या को हल करने के लिए सभी पक्षों के साथ खुलकर बातचीत हो। इसके लिए रिटायर्ड आईपीएस अफसर दिनेश्वर शर्मा को सरकार ने वार्ताकार के तौर पर नया प्रतिनिधि बनाया है। दिनेश्वर शर्मा सभी पक्षों से चर्चा के बाद केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। खास बात यह है कि सरकार ने अलगाववादियों से बातचीत का रास्ता भी खुला रखा है। हालांकि आतंकवाद को लेकर सरकार अभी भी सख्त है।